कुलवंत सिंह, आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया AC 700 के ऑपरेटिंग केबिन के ये डैशबोर्ड के बारे में, की बटन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और दोस्तों ये पहला बटन है एरोप्लेन का, देखिए फोटो बना हुआ है। ठीक है, ये अपने लफिंग के टॉप पे, जिप के टॉप के, जहाँ मेन बूम के टॉप पे एक लाइट लगाते हैं, उसको दबाएंगे तो लाइट चलता है। ठीक है, और साथ में ये विंड स्पीड का भी एक नेमोमीटर ऊपर लगता है। ठीक है, पंखा छोटा सा वो लगता है। और दूसरा है सर अपना जो एम्बुलेंस का लाइट है, क्रेन के ऊपर लगाते हैं, उसका बटन है, दबाएंगे तो वो चलता है। ये जो बटन है नीचे का बटन दिया है, बूम के ऊपर लाइट लगता है, वो ऐसा रोटेट होता है, देखिए बूम के ऊपर इधर लाइट लगा मुंडी पे और रोटेट होता है, इसको दबाएंगे तो राइट लेफ्ट में दबाएंगे तो वो ऐसा ऊपर नीचे रोटेट होता है। आगे आता है ये अपने बिंच के पास लाइट लगा हुआ है एक कैमरे का। ठीक है, वो जगाएंगे तो कैमरे पे लाइट मारता है, ये बिंच है, ये देखिए लाइट मार रहा है। ठीक है, और दूसरा आ गया अपना कैबिन ऊपर, सामने कैबिन के लाइट लगा हुआ है, डाउन हो जाता है लोड की वजह से, जब झटका लग गया तो कैबिन थोड़ा डाउन हो जाएगा तो ये लाइट आता है। ठीक है, कोई कोई क्रेन में ये लाइट आ जाएगा तो स्विंग नहीं होता है। ठीक है, और हमारी क्रेन में ये थोड़ा स्विंग करेंगे तो ये लाइट आएगा, देखिए स्विंग करने पे लाइट आता है। किसी किसी क्रेन में अगर बाई चांस ये लाइट आ गया तो स्विंग नहीं होता है, तो क्या करने का, ये बटन दबा देना तो कैबिन थोड़ा उठेगा, उठेगा तो ये लाइट बंद हो जाएगा तो स्विंग होने लग जाएगा। ठीक है, एयर क्लीनर का है, ये वाइपर का है, ग्लास पे पानी आएगा इसको दबाएंगे तो, ये दोनों ऊपर का है, ये हाई है इस लो है वाइपर, और ये फ्रंट का है, हाई और लो है। ये इंजन का आरपीएम का है, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो ये लाइट आएगा। ये एयर क्लीनर चौकअप का है, ये बैटरी चार्जिंग का है, इमरजेंसी स्टॉप है, जो जैसा आपको बताया था ये कैबिन अप एंड डाउन का है। ठीक है ना, लेकिन ये कैबिन जो आप रोटेट हो गए अप होता है हाइट में काम करने के लिए, वो नहीं है। ठीक है, ये क्रेन का कैबिन पीछे फोल्ड होता है, उसके लिए ये अप एंड डाउन का पिन लॉक होने के लिए अप एंड डाउन का है। ठीक है, लॉक करने के लिए, लॉक खोलने के लिए, और ये कैबिन घुमा के पीछे फोल्ड होता है। ठीक है, ये चारों छः बटन उसका पीछे कैबिन फोल्ड करने के लिए है, और बाद में रोटेट करके आगे लेके आने के लिए। ये सुपर लिफ्ट का है, ये सुपर लिफ्ट 90 डिग्री का है, मतलब सुपर लिफ्ट जब भी बूम पे खड़ा हो जाता तभी का है, और जो सुपर लिफ्ट बूम के डाउन हो जाएगा, 0 डिग्री का बोलते हैं इसको, बूम पे डाउन हो जाएगा उसका लाइट आएगा। अभी सुपर लिफ्ट खड़ा है, इसके लिए 90 डिग्री का लाइट आ रहा है। ये दोस्तों अपने को कोई कुछ करना रहेगा सुपर लिफ्ट में आइए करने के लिए तो उसका बटन है, को अपने को सुपर लिफ्ट डाउन मारना रहेगा, जब कुछ करना रहेगा, जब थोड़ा रोप लूज चाहिए सुपर लिफ्ट का तो उसके लिए है। ये बूम बाहर निकालने के लिए या अंदर करने के लिए, बूम का लॉक खोल के इसको बटन दबाया तो बूम अंदर बाहर जाएगा। ये बटन अगर नहीं दबाएंगे, सुपर लिफ्ट का लॉक नहीं खुलेगा तो सुपर लिफ्ट लगा होएगा तो ये बूम आपका बाहर नहीं जाएगा, ना अंदर आ जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये ऑटो एक्सीलेटर है, इसको दबा के, मान लो ये पहले हम लोग मैनुअल एक्सीलेटर कर देगा, देखिए अभी मैं उसको घुमाएगा, ये आरपीएम मीटर है, अभी 1500 आरपीएम हो गया है, देखिए इसको सेट किया है, अभी मैं इसको दबा दे, ठीक है ये दब गया है तो आरपीएम कम हो गया। अभी जैसे मैं लीवर लगाएगा, देखिए जैसे ही लीवर लगाएगा ये आरपीएम बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हार्न का है, ठीक है गलती से सुपर लिफ्ट का लग गया था अभी, लेकिन लॉक नहीं खुलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हार्न का है, चाबी है। ठीक है, ये दोस्तों दोनों बटन है, दो नंबर विंच का और एक नंबर विंच का। ठीक है, दो नंबर लफिंग का है, एक नंबर अपना मेन विंच है, ये हाई का है। अब देखिए मैं हाई का बटन लगाएगा, ये लीवर के राइट साइड के लीवर के सामने लगा हुआ बटन, ये दबाएगा
तो ये लाइट आता है, देखिए ऐसे ही इस साइड में भी लेफ्ट साइड में भी सेम बटन है, वो दबाएंगे तो हाई होता है। ये बूम अप डाउन का है, ठीक है। ये दोस्तों लगाया नहीं कभी, लेकिन ऑप्शन मेनू में लिखा है लफिंग उठाने के टाइम में इसमें कुछ कर सकते हैं इसको उठाने के लिए। ये बूम हाई है, दबा के इसको करेंगे तो बूम हाई से निकलेगा और अंदर हाई से आएगा। ये हाई हो गया है, बूम अप डाउन हाई हो गया है। ये लफिंग है दोस्तों, लफिंग चलाने के लिए इसको हम लोग लेफ्ट में भी चला सकते हैं, राइट में भी चला सकते हैं। जो लोग लफिंग चलाया उसको मालूम रहेगा इसके बारे में, ठीक है। जो साइड का बटन दबाएंगे वो साइड में लफिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। ये साइड में इसमें चलाएंगे तो बूम अप डाउन में आ जाएगा, इसको चलाएंगे तो बूम बाहर निकालने वाले में, अंदर करने वाले में ये लफिंग चलेगा, ठीक है। एक साइड में तो स्विंग चलता ही चलता है, वो बंद नहीं होएगा। ये दोस्तों देखो, ये हमारा सुपर लिफ्ट जब भी ऐसा क्लोज रहता है उसका है 0 डिग्री बोलते हैं उसको अभी, और ये 30 डिग्री या 60 डिग्री सुपर लिफ्ट ऐसा बटरफ्लाई जो खुलता है उसका है, ठीक है। हमारा अभी 60 डिग्री खुला हुआ है, इसके लिए ये लाइट आ रहा है। ये दोस्तों इसका जैक चासी से हाइट में है, ठीक है। इसके लिए उधर एक सेंसर दिया रहता है, अगर ये सेंसर लगभग 18 डिग्री के आसपास आता है बूम के, तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, तो ना तो आप स्विंग कर सकते हैं ना ही बूम डाउन मार सकते हैं, ठीक है। तो इसको बटन को दबा के ही हम लोग बूम डाउन मार सकते हैं या स्विंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपना लिफ्ट सिलेंडर के नीचे से सेंसर लगा हुआ रहता है। और ये दोस्तों जो दो बटन है, मेन हुक और खींचने के लिए रोप, खींचने के लिए ये रोप का इस्तेमाल होता है, पीछे छोटा बिंच लगा है उसका इस्तेमाल होता है। ये स्विंग के लीवर में ये बिंच चलता है, ठीक है दोस्तों। आरिया करने के लिए खाली इसको दबाएंगे तो ये बिंच लूज हो जाएगा, ये टाइट टाइट करने के लिए इसको दबा के स्विंग का लीवर एक साइड में लगाएंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। ये स्विंग ब्रेक है दोस्तों, और ये स्विंग लॉक है जिसको हम लोग पिन बोलते हैं, पिन लॉक लगा है कि नहीं उसका है, ठीक है। अभी ये दोनों लाइट चला है मगर दोनों लॉक खुला हुआ है, अपन क्रेन स्विंग कर सकते हैं। इसको बंद कर दिया तो अभी स्विंग नहीं होएगा, आप लीवर जितना मार लो स्विंग नहीं होएगा, ठीक है। ये दोस्तों सब बाईपास के है, ठीक है। ये लफिंग का बाईपास है, ठीक है। ये ओवरलोड का बाईपास है, ठीक है। ये लगा के रखा है, हवा ज़्यादा आ जाता है उसकी वजह से फिर लफिंग ज़्यादा अप नहीं होता है, इसके लिए इसको लगा के रखा है हम लोग। आप नहीं है तो मत लगाइए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अपना लिमिट स्विच का है, लिमिट स्विच कट ऑफ हो जाएगा तो इसको हम लोग ओके करके तो थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो लिमिट स्विच नहीं लगाएगा तो भी इसको बाईपास करना पड़ेगा। ये भी उसका ये बाईपास के ही है। ये दोस्तों सेंसर है दोनों, ठीक है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाएगा उसको आपको बताएगा, लेकिन अभी बता देता है। ये बूम का फोटो बनाया, ठीक है। ये लॉक के बटन है, ये अपना रीसेट है। ये बटनों में से कोई भी गलती से बटन दब गया तो, मान लीजिए इसको दबा देते हैं, ये गलत बटन दब गया तो इसको रीसेट कर सकते हैं, रीसेट हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए 1 2 3 4, ये चारों बटन से बूम खुलता है, मतलब बूम का जो लॉक है खुलता है, और एक ही बटन से 1 2 3 4 चारों नंबर के लॉक लगता है। एक ही बटन से चारों बूम का लॉक लगता है, ठीक है। इनसे खुलता है, इसे एक ही से लगता है, ठीक है। और जब लॉक के पास में आपका पोजीशन आएगा तो ये सेंसर बताता है, ठीक है। ये बूम का फोटो दिया ना, ऊपर का जलेगा तो बूम अंदर लेना, नीचे का जलेगा लाइट आएगा तो बूम बाहर लेना, तो दोनों जलेगा थोड़ा सा ब्लिंकिंग होएगा तो तुरंत लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसी में ग्रिपर का भी बीच में इसमें साथ में दिया रहता है, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए मेन लॉक लगता है तो ग्रिपर ऑटोमेटिक लॉक होता है। इसमें देखिए मेन लॉक लगता है तो ग्रिपर खुलता है, ठीक है। इसमें ये एक ही में दो, ये लाइट दो बार आएगा, ठीक है। एक बार मेन लॉक के लिए, दूसरी बार ग्रिपर के लिए, जहाँ पहले ग्रिपर लगेगा फिर बाद में मेन लॉक खुलेगा, ठीक है। ऐसा है इसका सिस्टम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे एक और नीचे है, देखिए बटन, ये पुट बटन है, ठीक है। फायर से दबाएंगे, जब कोई माल उठाना रहता है अपने को स्विंग राइट या लेफ्ट होना है, छोटा बड़ा स्लिंग रहेगा तो इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सेंटर चला जाएगा, ठीक है। बूम अप डाउन हमको देखे करना है, राइट लाइट स्विंग करना रहेगा तो इसमें क्या, जब जितना मर्जी हवा आ जाए क्रेन घूमेगा नहीं, जब तक हम लोग स्विंग नहीं करेंगे
या ये बटन नहीं दबाएंगे, ये बटन दबा देंगे तो हवा तेज चलता रहेगा, जब क्रेन का लेवल नहीं रहेगा, क्रेन अपने आप स्विंग होने लगेगा, जब तक ये बटन नहीं दबाएंगे तो स्विंग अपने आप नहीं होएगा, कुछ भी हो जाए। तो ये दोस्तों है हॉर्न का बटन है, ठीक है, बाकी एक्सीलेटर और तो कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना एक अच्छा सा, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, मैं कुलवंत सिंह, ओके बाय। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो में जो प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्तों।